हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय मेडिसिन माय लाइफ। इट्स मी अदवंशी रेनू। आई एम अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन यूक्रेन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस की। इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे एमबीबीएस रिलेटेड वीडियोज एंड ब्लॉग देखने को मिलेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ कि 2018 से न्यू रूल आया है कि आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। सो जो नीट की क्राइटेरिया है वही एमबीबीएस अब्रॉड की भी क्राइटेरिया, जैसे फर्स्ट आपका 12th पास होना चाहिए, 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, सेकंड आपके पीसीबी में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, थर्ड आपकी एज होनी चाहिए 17 ईयर जिस ईयर आप अप्लाई कर रहे हो बिफोर 31st दिसंबर। तो ये सब रही नीट की क्राइटेरिया। सो अब आती है बारी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने की। सो एडमिशन प्रोसेस तभी स्टार्ट हो सकता है अगर आप नीट क्वालिफाइड हो। सो इस ईयर है नीट क्वालिफिकेशन के मार्क्स, जैसे जनरल के हैं 139, जनरल के 138 है, आप चेक कर लेना एक बार, जनरल के 138 और एससी एसटी ओबीसी के हैं 108। सो अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं या इससे ज्यादा आते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं एडमिशन प्रोसेस। सो नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। तीसरा सबसे डिफिकल्ट टास्क, कंट्री सेलेक्ट करना और कॉलेज सेलेक्ट करना कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लें। सो अगर आप अभी तक आपने मतलब सोचा है एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए तो आपने बहुत सारी रिसर्च करी होगी। सो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप सर्च करो कॉलेज और अपना बजट देखते हुए कॉलेज देखो और कंट्री देखो। सो उसके बाद जाना आप किसी कंसल्टेंसी के पास, क्योंकि वो लोग प्रेशर डालेंगे कि नहीं आप इसी कंट्री में एडमिशन लो, इस कॉलेज में एडमिशन लो, क्योंकि उनको वहां से फायदा हो रहा होगा। सो आप अपने कंफर्ट जोन में रह के अपने बजट के हिसाब से अपने माइंडसेट के हिसाब से आप कॉलेज सेलेक्ट करो, कंट्री सेलेक्ट करो, फिर इसके बाद आप किसी अच्छी कंसल्टेंसी के पास जाओ और फिर कांटेक्ट करो, फिर अपनी प्रोसीजर स्टार्ट करो। अभी तक आपने कंट्री सेलेक्ट कर ली, कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, कंसल्टेंसी भी सेलेक्ट कर ली, किसी अच्छे कंसल्टेंसी के पास भी आप चले गए। सो अब आती है पहली प्रोसेस आपको स्टार्ट करने की एडमिशन प्रोसेस। सो सबसे फर्स्ट आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर मंगवाना। सो वो जो एडमिशन लेटर आप मंगवाओगे, चलो आप किसी कंसल्टेंट के पास गए, आपने कांटेक्ट किया, आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, आपका एडमिशन लेटर आया, सो आपको उस पर सबसे फर्स्ट चेक करना अपना फी स्ट्रक्चर। ये देखना है कि आपका जो फी स्ट्रक्चर है वो थ्रू आउट ईयर कितना है, और अपना जो भी आपका बजट होगा उसके हिसाब से आप देख लेना। और बाकी ये देख लेना कि आपका एडमिशन लेटर पे जो कोर्स लिखा हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको लैंग्वेज कोर्स में डाल देते हैं, ध्यान नहीं देते बच्चे, उनको लगता है कि अगर कंसल्टेंट दे रहा है तो सही एडमिशन लेटर ही होगा। तो आप ये सब चेक कर लेना कि क्या उस पर आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया उसका नाम है, या जो कोर्स सेलेक्ट किया है एमबीबीएस वो लिखा है कि नहीं लिखा है। अब इसके आगे की जो भी प्रोसेस होगी आपकी कंसल्टेंट ही करेगी, क्योंकि इसके आगे आपको वीज़ा लगवाना होगा और आपकी फ़्लाइट की टिकट जाने की, और आप कहाँ पे रहोगे, कौन से एकोमोडेशन में रहोगे, वे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंसल्टेंट ही लेगी। तो आपको उससे जो भी क्वेश्चन होंगे आप उससे पूछ सकते हो और अपडेट कर सकते हो अपने आप को, आपको कितना टाइम लगेगा वो बता देंगे। सो चलो आपका एडमिशन लेटर भी आ गया और आप फ्लाई कर गए और आप आ गए एयरपोर्ट पे। सो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तो सबसे अच्छे से संभाल के रखना अपना एडमिशन लेटर और पासपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे वो चेक करते हैं एडमिशन लेटर, और हो सकता है कि आपके एडमिशन लेटर का वो ऐसे फाड़ के आधा अपने पास रख ले आधा आपको दे दे। सो अच्छे से रखना संभाल के। सो आप लैंड कर गए, हो सकता है आपको रिसीव करने के लिए कोई और दूसरा कंसल्टेंट आए, बाकी आप पहले ही क्लियर कर लेना अपने कंसल्टेंट से कि कौन आएगा लेने, और बाकी उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना। सो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि दूसरे कंसल्टेंट उनके मतलब कनेक्टेड होते हैं, जो वो इंडिया में मैनेज करते हैं और वो यहाँ पे मैनेज करते हैं, तो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना। सो आपने जिस भी कंट्री को सेलेक्ट किया है वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई होगी वो इंग्लिश में होगी, लेकिन जब आप लोकल से इंटरेक्ट करोगे सो हो सकता है उनको इंग्लिश ना आए, सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो। अब आगे का जो भी प्रोसीजर है एडमिशन का वो यहाँ का कंसल्टेंट करेगा, जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी में जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो वो खुद जाएगा साथ में या तो किसी अपने मेंबर को भेजेगा, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन सारी खुद से करनी होगी। फिर आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा और फिर आपको टाइमिंग भी मिल जाएगी, फिर आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो आप। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।